अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि डीप लर्निंग की सीरीज में हमने एएनएन की इम्प्लीमेंटेशन देखी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यह है कि हम सीएनएन की इम्प्लीमेंटेशन देखें। तो एएनएन की तरह सीएनएन भी एक हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, जो कि हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, और उसमें डिफरेंट लेयर्स यूज होती हैं। तो आज हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो पहले हम अपनी नोटबुक खोलते हैं, वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं, तो सीएनएन इमेजेस के लिए बेस्ट काम करता है। इससे अच्छा कोई भी मॉडल नहीं है जो कि इमेजेस पे इससे अच्छा काम कर सके। इसके अपग्रेडेड वर्जन्स हैं फास्ट आर सीएनएन, फास्टर आर सीएनएन, वो इससे और भी अच्छा काम करता है, पर वो इसके ही अपग्रेडेड वर्जन्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय जस्ट इम्पोर्टिंग लाइब्रेरीज। इम्पोर्ट लाइब्रेरीज, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ इम्पोर्ट। हमें डेटा सेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वही सेम डेटा सेट हम यूज करेंगे फैशन एमनेस्ट वाला। इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट फैशन एमनेस्ट। ये हमारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट हो गई। उसके बाद अगर हमें इमेजेस को देखना है, तो हमें मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल डी हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम डेटा को लोड करते हैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। उसके बाद ये हमारे पास आ गए ब्रैकेट्स में, क्योंकि ये स्प्लिटेड फॉर्म में होता है। हमारे पास गिवन डेटा सेट एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोड करते हैं इसे। लोड हम कैसे करेंगे? फैशन अंडरस्कोर एमनेस्ट डॉट लोड डेटा। तो इसके थ्रू हम लोड कर सकते हैं किसी भी डेटा सेट को जो के बिल्ट इन डेटा सेट हो, जैसे कि ये हमारे पास एक बिल्ट इन डेटा सेट है। उसके बाद हमारे सेम स्टेप्स ही हैं जो कि हमने एएनएन में किए थे। तो इसकी हम शेप देखते हैं, शेप इसकी बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप बताएं। अगर आपको याद है एएनएन की सीरीज के थ्रू, कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने इसकी शेप देख ली, हम अब इसे नॉर्मलाइज करेंगे। तो पहले हम कमेंट लगा लेते हैं नॉर्मलाइज। उसमें हम क्या करेंगे, एक्स अंडर स्कोर ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स अंडर स्कोर ट्रेन डिवाइडेड बाय 255। उसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं डॉट एस टाइप लगा के इसका टाइप जो है वो पहले ही हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दें, फ्लोट 32 या फ्लोट 16 या फ्लोट 64। वो सिर्फ क्या करते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा। जब ये नॉर्मलाइज हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, रीशेप करते हैं। तो रीशेप करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्स अंडर स्कोर ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स अंडर स्कोर ट्रेन डॉट रीशेप। और रीशेप करने के लिए पहले हम लगाते हैं -1, कि वो पुरानी वैल्यू जो था, फिर फर्स्ट डायमेंशन में 28, सेकंड डायमेंशन में 28, थर्ड डायमेंशन में 1। थर्ड डायमेंशन में अगर हम 1 नहीं लगाएंगे, तो समटाइम्स जो हमारे पास सीएनएन है वो मसला करता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम थर्ड डायमेंशन में भी इसको एक सेम वैल्यू दे दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, मॉडल इज इक्वल्स टू टी एफ डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल। पहले हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ऐड। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, टी एफ डॉट केरास डॉट क्या आएगा, लेयर्स डॉट कॉन्व 2D। हमारे पास कॉन्व 2D लेयर आएगी, जिसमें हम फिल्टर्स रखेंगे 64, और हम रखेंगे कर्नल कर्नल साइज 3,3। अब इसका काम क्या है, जो हमारे पास फिल्टर है वो क्या करता है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारे फीचर्स हैं उनको ब्राइट कर देता है। जिनकी ज्यादा वैल्यू होगी वो उतने ज्यादा ब्राइट होंगे। और कर्नल साइज का मतलब ये है कि जो हमारे पास पिक्सल्स आ रहे हैं एक इमेज के, उसको 3x3 में कन्वर्ट करके उसको हैंडल करना आगे। और मैक्स पुलिंग क्या करती है, उस 3x3 में से क्या करती है, जो हमारे पास मैक्स वैल्यू होती है वहां पर, उसको इम्पोर्ट करके लाती है। वो होता है हमारा मैक्स पुलिंग लेयर का काम।
अब एक्टिवेशन फंक्शन के लिए हमें अलग से एक लेयर बनानी पड़ेगी, मॉडल डॉट एड टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट एक्टिवेशन। उसमें हम क्या करेंगे, हम अपना फंक्शन लगाएंगे रिलो, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट एड टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट मैक्स पूलिंग POLING। आपकी मैक्स पूलिंग आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, पूल साइज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2.2, ये हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। हमारे पास सेकंड लेयर भी बन गई, ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये हमारे पास सेकंड लेयर बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फ्लैटन, फ्लैटन लेयर। तो फ्लैटन लेयर के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट एड, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी एफ डॉट केरास डॉट टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन। यहाँ पे हमने फ्लैटन को भी कॉल कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डेंस फुली कनेक्टेड लेयर्स, जिनको हम बोलते हैं फुली कनेक्टेड लेयर्स। अब फ्लैटन लेयर का काम क्या होता है, जो हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन में मैट्राइसेस की फॉर्म में एक इमेज में से फीचर्स निकल कर आ रहे हैं, उनको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैटन लेयर को यूज़ करते हैं। अब फुली कनेक्टेड लेयर्स क्या होती हैं, वो सिंपल न्यूरॉन्स की जो लेयर्स होती हैं वही हमारी लेयर्स होती हैं। मॉडल्स डॉट एड, हम क्या करेंगे, टी एफ डॉट केरास डॉट डेन लेयर्स डॉट डेंस, डेंस लेयर हमें कॉल करनी है, और उसमें हम 128 न्यूरॉन्स को रख देते हैं। उसमें हम डिफाइन कर देंगे यूनिट्स इज इक्वल्स टू 128 और एक्टिवेशन, एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू रिलो। हमने यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन को भी डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने मॉडल्स लिख लिया है, इसीलिए हमें एरर दिखा रहा था। अब हम फाइनल लेयर बनाते हैं। फाइनल लेयर हम इसके ही नीचे बना लेते हैं, जिसमें हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं एज 10 और एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को कंपाइल करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम डिफाइन करेंगे, हमारे पास लॉस होता है, उससे पहले ऑप्टिमाइजर होता है। ऑप्टिमाइजर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एडम, उसके बाद हमारे पास होता है लॉस, लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पेयर्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस इन ट्रॉपी। उसके बाद हमारे पास लास्ट होता है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेसी, क्योंकि हमारे पास क्लासिफिकेशन का डेटा है, तो एक्यूरेसी भी हमारी ओ, यहाँ पे एरर आ चुका है। तो एरर हमारे पास क्या है, एरर है मॉड्यूल इसके अंदर कॉन्फ 2D लेयर नहीं है। कॉन्फ 2D लेयर क्यों नहीं है, हम इसे देखते हैं कि कॉन्फ 2D लेयर हमारे पास क्यों नहीं है। हम इसे फिर से रीराइट करके देखते हैं तो वो हमें सजेशन दे देगा, मॉडल डॉट एड टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट, बताओ भाई सजेशन दो हमें। तो अब लेयर्स के अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सी चाहिए, लेयर को ही डिफाइन कर रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉन 2D, अच्छा इसकी D का जो शेप है वो बड़ा होना चाहिए, उसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। तो नॉट अ बिग डील, कोडिंग में ऐसे होता रहता है। अब सेकंड जो एरर है वो हमारे पास है मैक्स पूलिंग के पास, तो मैक्स पूलिंग को भी हम देख लेते हैं। मैक्स पूलिंग के पास हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास ये इश्यूज आते रहते हैं। तो टी एफ डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट मैक्स पूलिंग, तो हम वेट करते हैं इसकी सजेशन का। मैक्स पूलिंग 2D, अच्छा हमें मैक्स पूलिंग 2D सिलेक्ट करनी थी, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। मैक्स पूलिंग 2D ये हमारे पास हो गया, मैक्स पूलिंग 2D। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा epoxes इज इक्वल्स टू
टू हम लगा लेते हैं क्योंकि ये इपॉक्सिस चलाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं अब इसका काम क्या होता है। हमारे पास मैट्रिक्स में एक इमेज आई, उस मैट्रिक्स की इमेज में से फिल्टर पहले निकालना, मतलब जहाँ पे इमेज है सिर्फ उनको ब्राइट करना, कलर्स को, उन्हें हमने ब्राइट कर दिया। उसके बाद जो ब्राइटेड कलर्स हैं उनमें से भी 3x3 की इमेज निकालना, जो कि हम एज ए क्या डिफाइन कर रहे थे, हमारे पास वेरिएबल क्या था, कर्नल साइज, उसके थ्रू हम 3x3 डिफाइन कर रहे थे ना, वो 3x3 में हमारे पास एज एन आउटपुट आएगा, एक्टिवेशन फंक्शन वहाँ पे रिलो यूज होगा, उसके बाद वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही हैंडल कर सकता है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है पूल साइज, पूल साइज जो है वो क्या करेगा, वो उनमें से भी मैक्स पूलिंग का काम क्या होता है, मैक्स पूलिंग, मैक्स जो वैल्यू होती है ना वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आता है, 2x2 के बना बना कर उसमें से मैक्स वैल्यू निकाल कर हमें देता जाएगा, और फिर उनसे हम क्या करेंगे, उसको भी अगली लेयर में लेकर जाएंगे, फिर अगली लेयर में लेकर जाएंगे। इसके लिए अगर आपको ये समझना है कि ओवरऑल ये काम कैसे कर रहा है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है समरी के नाम से, आप उसको देख सकते हो कि ये ब्रेकडाउन कैसे होते हैं। पहले वो 64 होंगे, फिर और भी ब्रेकडाउन होंगे, पूलिंग क्या करता है उनको हाफ कर देता है, फिर हाफ के साथ हम मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे हमारे पास चीज़ें चलती रहती हैं। फॉर एन इंस्टेंस हमने 64 उठाए हैं तो ये ब्रेकडाउन होगा 2x32 में, और वो जब कर्नल साइज वहां पे आ जाएगा तो 6 और भी उसमें से माइनस होंगे तो 26x26 हो जाएगा, 26 को अगर हम हाफ करेंगे मैक्स पूलिंग के थ्रू 13 हो जाएगा, 13 को हैंडल करने के लिए फिर वो 11 में भी ब्रेक होगा। इसमें एक लेंथी प्रोसीजर होता है जो कि इसकी मैथमेटिक्स में होता है बैकएंड पे, और वो चलता रहता है। अब अगर हम इसकी एक्यूरेसी को देखें तो पहली बार में ही इसकी एक्यूरेसी 84% है, सिर्फ पहले ईपॉक में, और लॉस कितना कम है एज कम्पेयर टू ANN। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इमेजेस पर बेस्ट काम करता है रेदर देन एनी अदर मॉडल। तो जब तक ये हो जाता है हम तब तक मॉडल डॉट एवेल्यूएट, हम मॉडल को एवेल्यूएट कर लेते हैं x_test, y_test, ये हमारे पास आ चुका है, और जब तक ये रन होता है तो हम इसको भी रन कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से हमने सिर्फ दो ही बॉक्सेस चलाए हैं, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो अच्छी तो होगी ANN से, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू ANN। तो देखते हैं हम जब तक ये देख हो जाता है। बाकी आप सबके लिए एक सजेशन है, हमेशा पानी पीते रहें और स्टे हाइड्रेटेड। तो हम वेट करते हैं फाइनल एक्यूरेसी। मेरे हिसाब से इसकी जो फाइनल एक्यूरेसी आ सकती है वो 88% या 89% आ जाएगी, और उसके बेसिस पर ही फिर हमारी फाइनल एवेल्यूएशन होगी कि इसकी प्रीवियस लर्निंग कितनी है और उस हिसाब से इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। आप देख सकते हैं इसका लॉस कितना कम हो गया सिर्फ सेकेंड ईपॉक में ही, क्योंकि वो मैट्राइसिस के साथ खेल रहा है, उसकी बैकएंड पे मैट्राइसिस ही चल रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये ज़्यादा टाइम ले लेता है, पर आप सोचें कि ये तो क्लाउड की मशीन यूज़ हो रही है, अगर यहाँ पर आपकी मशीन यूज़ होती तो वहाँ पर कितना टाइम लेता। सो दैट इज़ व्हाई आई प्रेफर टू यूज़ गूगल कोलैब रदर देन माई ओन मशीन। तो आपके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल कोलैब को यूज़ करें रदर देन एनी ऑफ योर ओन मशीन। अगर आपके पास ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है तो प्रेफरेबल है आपकी अपनी मशीन, वरना मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप भी गूगल कोलैब को यूज़ करें। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल जब तक ये हो जाता है। और हम जिस फंक्शन की बात कर रहे थे वो ये फंक्शन है मॉडल डॉट समरी। इसके थ्रू क्या होगा कि आपको ओवरऑल पूरी समरी पता चल जाएगी अपने मॉडल के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एक्यूरेसी देखें, दो ईपॉक्सेस के बाद ही इसकी एक्यूरेसी 89% है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है हमारे पास CNN बेस्ट काम करता है इमेजेस के डेटा सेट पे। अब हम इस समरी के कमांड को भी देख लेते हैं, ये आपके पास बता रहा है कि ये कैसे वर्कआउट हुआ है। मैं जो आपको बता रहा था 13 में डिवाइड होगा 11 हो जाएगा, फिर 11 से 5
तो ये सारी चीज़ें इसकी बैकएंड की मैथमेटिक्स पे चलती रहती हैं और बेसिक कॉन्सेप्चुअल के लिए आप इसे समझ सकते हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपको यही सेम कोड साइफर 10 के डेटा सेट पे यूज़ करना है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।